अमेरिका में बेहद बड़ा विमान हादसा हुआ है, जिसे सुनकर आप भी शायद हैरान हो जाएंगे, आपकी धड़कनें रुक सी जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अलास्का एयरलाइंस की एक फ्लाइट की खिड़की और विमान का एक हिस्सा बीच हवा में उड़ गया है। इसके बाद इस प्लेन की ओरेगॉन शहर में किसी तरह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। हवा में उड़ रहे प्लेन के इस वीडियो को गौर से देखिए। इस विमान की खिड़की टूटी हुई है। सोचिए 177 यात्रियों पर उस वक्त क्या बीत रही होगी जो कि अलास्का एयरलाइंस के इस विमान में बैठे थे। एक महिला यात्री ने बताया कि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो मरने वाले हैं। पूरे हादसे की आंखों देखी बताते हुए उसने कहा कि उड़ान के दौरान अचानक तेज आवाज की वजह से उनकी नींद खुल गई। उन्हें अपनी आंखों के सामने ऑक्सीजन मास्क दिखा, जबकि बाई तरफ देखने पर उन्हें विंडो पैनल गायब दिखाई दिया। मौत के खौफ के बीच यात्रियों ने फौरन इसकी शिकायत चालक दल से की, जिसके बाद प्लेन की ओरेगन के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस हादसे के बाद अलास्का एयरलाइंस ने सभी 65 बोइंग मैक्स 9 विमानों के अगले आदेश तक उड़ान पर रोक लगा दी है। अमेरिका में हुए विमान हादसे के बाद भारत में DGCA अलर्ट हुआ और सभी भारतीय एयरलाइंस को ये निर्देश जारी किया गया है कि वो अपने बेड़े के बोइंग 737-8 विमानों पर इमरजेंसी एग्जिट का तुरंत निरीक्षण कराएं।